तो यार इंडिया वर्सेस फॉरेन की जब बात होती है तो हमें हमेशा इंडिया की बेइज्जती यानी इंसल्ट देखने को मिलती है, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी लोग जो काम करते हैं वो लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। फॉर एग्जांपल WWE जहां इनके पास हैंडसम फाइटर से लेकर अच्छे और डेंजरस फाइटर होते हैं, देखने के लिए लाखों करोड़ों फैंस एक दूसरे पर लदे होते हैं, वो बात अलग है, वो एक दूसरे की गांड मार रहे होते हैं, और गर्ल्स फाइटर के नाम पर पेज जैसी हॉट एंड ब्यूटीफुल फेयर एंड लवली को टक्कर देने वाली गौतमी से भी ज्यादा गोरी होती है। देखो बकचोदी यहां पर भी होती है, जैसे फेक फाइट मारा पहले गिरा बाद में चूतिया, थोड़ी सी बकचोदी। और तीसरा इंडिया का CFC फाइट जिसकी फुल फॉर्म है चुत्तड़ वाले फरार। मैंने WWE को CFC फाइट से इसलिए लिंक करा है क्योंकि WWE का एक नादान परिंदा उड़कर भारत में गिरता है जो इंडिया का ही परिंदा होता है और जिसका नाम है एक मिनट क्योंकि भोसड़ी के थूकते ज्यादा है वहां पे। आइए देखते हैं दर्शन मजा आएगा। अबे ज़ोंबी आत्मा विकसित मानव इसलिए कहते हो अपने बच्चों को रोटा वायरस का इंजेक्शन जरूर लगवाए वरना लक्षण ये होते हैं। मैं बताता हूँ बात क्या थी, ये अविकसित मानव खली सर की प्रेयर में 5 मिनट लेट होता है। ग्रेट खली इसको सिंगम बारह थप्पड़ मार देते है बस। क्यों नहीं करूंगा, गेट आउट हियर, गेट आउट, आई से गेट आउट, गेट आउट, डोंट सी मी। लेकिन कोई इज्जत नहीं है बेंचोद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की गांड मारते हुए ये ग्रेट खली ने इसको थप्पड़ मारा और उस बंदे ने इस बंदे के थप्पड़ मारा। अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा। अब भैया CWF में हॉट लड़कियों के नाम पर राकेश सावंत को रखे हुए हैं। अब तुम मानो या ना मानो ये राकेश सावंत का फाइट सीन था। राखी सावंत की हंसी मुझे रात में मूत करने नहीं देती, और जब राखी सावंत चलती है तो ऐसा लगता है अजगर जा रहा है। गलत काम चल रहा है, इसके पास है यार, कुछ हो रहा है इसके अंदर, बता इसी के पास है। रूम बंद करके गलत काम कर रहा है, बहुत गलत काम चल रहा है अंदर। जुमांजी की शूटिंग चल रही है, बैंचोद कुत्ता शेरी की गांड मार रहा है साला, सही में मार रहा है। क्या मुझे कोई बताएगा इस चद्दर के अंदर मानव की कौन सी प्रजाति है बहन चोद, कमेंट में जरूर बताना मुझे। और ये झाड़ू लगने पर इतना क्यों गिर रहा है यार, यहाँ बैठ चोद सर पे गुल्ली खा के बंदा सामने बैठा है और ये बंदा झाड़ू में गिर रहा है, और ये बंदा तो हवा में पैर मार रहा है। जॉन सीना से इंस्पायर लग रहा है लौंडा। देखो यार एक चूतिया दूसरे चूतियों को आसानी से पहचान लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चूतिया हूँ लेकिन मैं चूतियों को आसानी से पहचान लेता हूँ, तो मैं हूँ कौन? चूतिया तो तू है। म्यूजिक ऐसे गले दबने लग जाए तो लोग जिंदा ना भागने लग जाए। फॉरेन वाले बंदे अगर किसी नकली जस्टिन बीबर को असली जस्टिन बीबर बना के बेचते हैं और फर्क नहीं पड़ता कि वो नकली जस्टिन बीबर घंटा जस्टिन बीबर जैसा नहीं दिखता, लेकिन तब भी उस नकली जस्टिन बीबर को असली जस्टिन बीबर जैसी टैटू बनाकर उसको थोड़ा मोड़ा जस्टिन बीबर जैसा लुक देकर उसके पीछे 2-4 बॉडीगार्ड छोड़कर जो इवन बॉडीगार्ड जैसे दिखाई भी देते हैं और एक फोटोग्राफर, क्योंकि ये विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी नहीं है। और 6-7 ऐसे लोग जो नकली जस्टिन बीबर को असली जस्टिन बीबर बताएंगे क्योंकि लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि नकली जस्टिन बीबर हमारे इधर आया है, कि एक गधा अगर गु खा ले तो दूसरे गधे भी उस गु को फल समझ के खा लेते हैं। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी बॉस। ए मादर चोद अपना काम करना। इन लोगों ने अपने 2 बॉडीगार्ड बनाए थे बस, लेकिन इन दोनों की एक्टिंग और डायरेक्शन देखकर होटल वालों ने भी इनको 4 बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराए। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्टिंग ब्रो। जो बैंड की लोरियां गाने में बढ़ जाऊंगी जस्टिन बीबर के पर सेल्फी जरूर लूंगी मैं। अब ये लोग नकली जस्टिन बीबर को पहली नजर में ही जस्टिन बीबर मान रहे हैं। क्यों भाई, इन लोगों के पास 5 चीज थी, फेस, लुक्स, मनी, टीम और एक्टिंग। इन 5 में से इनके पास फेस जस्टिन बीबर जैसा नहीं था, लुक्स इनके पास बढ़िया थे, मनी इनके पास थी, एक्टिंग सुपर्ब और टीम वर्क, तभी ये वीडियो इतनी खास बनती है। अब आप इन 5 चीजों में से मनी, एक्टिंग और लुक्स को निकाल देते हो तो बचता है इंडिया। इंकलाब जिंदाबाद। हेलो
स्वागत है आपका इतनी जल्दी बहन की चूत बहन का लगना लेकिन इसके लुक्स और जब इस सिलमपुर के ऋतिक रोशन ने अपना मुंह खोला वीडियोस बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं हालांकि मैं बच्चों से बात नहीं करता मगर मैं आप सबसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखेंगे बहन का लंदन जिंदगी से विश्वास उठ गया मेरा आपको नाम सुना है शक्ल से नहीं पहचानते आप तो पहचानते होंगे हां भाई साहब फिल्म वगैरह करते हैं आई एम रियली सॉरी ऋतिक सर मुझे माफ कर दीजिए मुझे पता है आप ये वीडियो देखने के बाद पंखा और रस्सी ढूंढ रहे होंगे लेकिन सर ऐसा कोई भी कदम मत उठाना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके स्टैंडर्ड को राधे मूवी से जज कर लिया सर प्लीज सर ये पेड़ दिल्ली का पेड़ बहुत बेहतरीन पेड़ इस पेड़ पे पेड़ ही पेड़ है हाँ बहुत खास पेड़ है भाई इसी पेड़ पे मैं रात में भूतों के साथ नंगा खेलता हूँ पंदुपाई साइड घंटा बहन जो सामने कोई नहीं आ रहा जबरदस्ती चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह नहीं ऐसे ही तो बॉडीगार्ड दिखते हैं वर्ल्ड फेमस ऋतिक रोशन के इनको ये तो बॉडीगार्ड चैनी कैनी ऐड में चैनी कैनी खाने वाले ज्यादा लग रहे हैं साले आप मेरे को 200 रुपए दे रहे हो ऐसे में आपको मतलब हाँ ऐसे लुक्स में तो दोलंड्रम घूमता अपने अमेरिका में और लड़कियों ने इसकी ओवर एक्टिंग देखकर बोल दिया आपको सर ऋतिक सर नहीं दिख रहे हैं आप मैं इनका मैनेजर हूँ आप मेरे को 200 रुपए दे रहे हैं ऋतिक सर है तो क्या हुआ ऋतिक सर आप पक्का मुझे माफ कर देना मैं और वीडियो नहीं देख सकता इसकी अब इन लोगों के पास 5 चीजों में से क्या क्या था फेस जरूर था इनके पास लुक्स लोड़ा मार्केट में बेची है मनी चलो मनी मान लेते हैं मनी है इनके पास एक्टिंग एक्टिंग के आगे ओवर लिख दो तो ओवर एक्टिंग तो बहुत है इनके पास और टीम से मुझे याद आया अगर एक लोड़ा किसी की गांड नहीं मार सकता ना तो उस लोड़े को रेत में गाड़ दिया जाता है क्या दिया जाता है गाड़ दिया जाता है अच्छा था ना मजा आया ना अब जहां फॉरेन में लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं हमारे इंडिया में या तो भैया जमीन पे खड़ा होके गिरा ये आसमान में उड़ के क्या उड़ा रहा है वाह 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 क्या एडिटर है इन्हीं एडिटर्स को देखकर मेरा मन करता है कि इनको रोडी सल्यूट दूं बहन चो लेकिन जगह खड़े होने की नहीं है बैठने की है बस यहाँ पे अब भैया बाहर देश में आपको जगह जगह ट्यूशन की पोस्टर देखने को मिल जाएंगे लेकिन हमारे इंडिया में जगह जगह आपको फोटो देखने को मिलेगी सभी प्रकार का नशा छुड़ाए सिर्फ 499 रुपए महीना साले मजाक बना के रखते भड़वा समझे क्या तो अब भाई भोपो बच गया भाई तो भैया हालांकि मुझे वीडियो का अंत यहीं पे करना पड़ेगा मेरी वीडियो का टाइटल किसी के भी मोरल को डाउन करने का नहीं था तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और प्लीज बुरा ना माने होली